देश के प्रधानमंत्री धुआं रहित रसोई का सपना लेकर स्कूलों में गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत उपलब्ध करा रहे, लेकिन अभी भी जनपद शिक्षा केंद्र उचहरा के अंतर्गत सैकड़ों स्कूल में लकड़ी के माध्यम से भोजन बनाया जा रहा है। आज पूरे मामले में जिम्मेदारों की लापरवाही खुलकर सामने आई। गिरने वाला क्या ये? अपना देख ले, ये बिल्कुल फाट गया है। तब्दीली ना का होई, ये फाट गया। क्या नाम है? उजियारी भाई। खाना बनाते हो यहाँ पर? जी। कौन से स्कूल है? ये सरस्वती स्कूल है, पांचवी। तो ओदार परी मुड़े पर हमारे पांच की। अब का करी? तो लकड़ी से बनाते हो खाना? कैसे है? लकड़ी से बना रहे थे, जब नहीं मौके तो अपने आवा ताए पर। हाँ, हाँ। तो अपन सीधे लेते हैं, लकड़ी बना लेते हैं। यह बात इस भवन खंडहर हो, जर्जर है, बहुत ही हुआ है। अच्छा। अपना देखिए ये सब चुहना चुहना के आही, चाहे झाड़ू लगावत रहे चाहे कुछ करत रहे। क्या नाम तुम्हारा? हमारे इतपरिया। बता दें कि स्कूलों के निरीक्षण के लिए जनपद स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड स्रोत समन्वयक, शंकुल प्राचार्य, बीएसपी, जनशिक्षक सहित निचले स्तर के भी कर्मचारी लगे हुए हैं। मगर शासन की योजना पर पानी फिर रहा है और मध्यान्ह भोजन के मामले में जहां गुणवत्ता विहीन और मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि पहाड़ी अंचल के अधिकांश स्कूलों में मध्यान्ह भोजन लकड़ी से बनाया जाता है, जिसके चलते जंगल की अंधाधुंध कटाई भी जारी है और पर्यावरण को अच्छा खासा नुकसान भी हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।